हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इजी इंग्लिश लर्निंग की नई वीडियो। और इस वीडियो में खास बात यह है कि ये वीडियो बनाई गई है स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स, मतलब हाउसवाइफ्स जो रोजमर्रा के अपने घर में काम करती हैं, उन्हें अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। अब उन्हें अंग्रेजी बोलने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही कोई घबराहट होगी और ना ही कोई शर्मिंदगी होगी। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला जो काम होता है नॉर्मली हर घर में, जो हर हाउस वाइफ करती है, हर लेडी अपने घर में करती है, वो है चलो घर की साफ सफाई करते हैं। मतलब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा, तो यही ये वीडियो सिखाती है। जैसे लेट्स क्लीन अप द हाउस, लेट्स क्लीन अप द हाउस, ये पहला सेंटेंस था हमारा। दूसरे सेंटेंस की ओर हम चले। दूसरा सेंटेंस है घर साफ सफाई मांग रहा है। नॉर्मली आप बोलते हैं कि घर साफ सफाई मांग रहा है, अंग्रेजी में द हाउस नीड्स क्लीनिंग। क्या बोलेंगे आप? द हाउस नीड्स क्लीनिंग। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, तो ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये चलता रहेगा। जो तीसरा सेंटेंस है हमारा वो ये है कि तुम घर पर रुक कर घर के काम करो। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि तुम रुक जाओ और घर के काम करो, तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम? यू स्टे एट होम एंड डू द चोर्स। चोर्स बोलते हैं घर के कामकाज को, जो नॉर्मल डेली के काम होते हैं। यू स्टे एट होम एंड डू द चोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं झाड़ू लगा रही हूं। झाड़ू पोछा हर लेडी करती है अपने घर में साफ सफाई के लिए। मैं झाड़ू लगा रही हूं, आई एम स्वीपिंग अप, आई एम स्वीपिंग अप। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस, झाड़ू लग गई। नॉर्मल आपने झाड़ू लगा दी तो आपने बोला झाड़ू लग गई। Sweeping is done. क्या बोलेंगे आप? Sweeping is done. आपको मजा आ रहा होगा, ये वही सेंटेंस है जो रोज आप नॉर्मल अपनी जिंदगी में बोलते हैं अपने घर के काम में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कचरा कहाँ फेंकूं? झाड़ू लग गई, भाई कचरा कहाँ फेंकूं? Where to put the sweepings? क्या बोलेंगे आप? Where to put the sweepings? या फिर Where to throw the sweepings? Where to throw the sweepings? तो दोस्तों, ये वही सेंटेंस हैं जो हर लेडी, माँ, बहन या वाइफ अपने घर में बोलती है, और जो सुबह नाश्ता खाने के बाद सबसे पहले इस तरह के काम होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम चले, नेक्स्ट सेंटेंस है कचरा कूड़ेदान में डाल दो। कचरा कूड़ेदान में डाल दो। पुट द स्वीपिंग्स इन द डस्टबिन। क्या बोला हमने? पुट द स्वीपिंग्स इन द डस्टबिन, या फिर थ्रो द स्वीपिंग्स इन द डस्टबिन। Throw the sweepings in the dustbin. अब कूड़ा भी आपने डस्टबिन में डाल दिया, या फिर आप इस तरीके से भी बोलते हैं कूड़ा बाहर ले जाओ। झाड़ू लग गई है, कूड़ा बाहर ले जाओ, तो इसे अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? Take the rubbish out. Take the rubbish out. अब झाड़ू पोछा हो गया, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि घर में झाड़ू वगैरह के अलावा डस्टिंग भी होती है, फर्नीचर को झाड़ दो, तो इसे डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द फर्नीचर। या कोई अलमीरा है, डस्ट द अलमीरा। या फ्रिज है, डस्ट द फ्रिज। कुछ भी, मतलब आप सामान हो सकता है, जरूरी नहीं बेड या फिर कोई टेबल है, चेयर है जैसे, डस्ट द चेयर, डस्ट द चेयर। नेक्स्ट है हमारा, बहुत साफ सफाई करनी बाकी है, बहुत साफ सफाई करनी बाकी है, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी में हम बोलेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन। तो ये वही सेंटेंसेस हैं जो आप रोज बोलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घबराती हैं या परेशान होती हैं, इसे अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशली मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप जानें जो नॉर्मल रोज के बोले जाने वाले सेंटेंस हैं वो अंग्रेजी में कैसे बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे जमीन पूछने के लिए एक गीला कपड़ा ले आओ। Get a damp cloth to wipe the floor with. गीला मतलब damp cloth. गीले कपड़े के लिए हम इस्तेमाल करेंगे damp cloth.
नेक्स्ट है मैं पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू लग चुकी है उसके बाद आप पोछा लगाती हैं, तो आई एम मॉपिंग अप। नॉर्मली अक्सर ऐसा होगा जब आप झाड़ू या पोछा लगा रही होती हैं, आपके हस्बैंड या भाई या कोई भी जैसे वहां आ जाते हैं, आपके बच्चे, तो आप उन्हें बोलते हैं रुक जाओ मैं झाड़ू लगा रही हूँ या मैं पोछा लगा रही हूँ। तो खैर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जरा बर्तन धो देना, डू द डिशेज प्लीज। बर्तनों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डिशेज इस्तेमाल करते हैं, वर्ड अंग्रेजी में ये इस्तेमाल होता है, तो डिशेज बर्तनों के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैं बर्तन मांज रही हूं, आई एम डूइंग द डिशेज। नेक्स्ट हमारा है बर्तन ले जाकर सिंक में डाल दो, बर्तन रखे हुए बर्तन ले जाकर सिंक में डाल दो जब आप किचन में होते हैं तब, तो इसे टेक द डिशेज टू द सिंक। खाली कपों को हटा दो। टेबल पे कप है, चाय पी चुके हैं, रखे हुए हैं, तो खाली कपों को हटा दो। क्लियर अवे द एम्प्टी कप्स। लॉन्ड्री, कपड़े धोने की बातें आती हैं, झाड़ू पोछा हम कर चुके हैं और अब कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आपके मियाँ जी जो हैं वो कपड़े भी पहनते हैं या आप खुद भी साड़ी या कोई भी ड्रेस सूट वगैरह कुछ भी, तो मैं कपड़े धो रही हूं, इसे अंग्रेजी में आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। तो कपड़े के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में वो लॉन्ड्री इस्तेमाल होता है, तो आप ये याद रखिएगा लॉन्ड्री। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कपड़े धो चुकी क्या, जैसे नॉर्मल आपने पूछा, Are you done with the laundry? कपड़े धुल गए, Are you done with the laundry? प्रेस करने की बात आती है, कपड़े धोने के बाद सूखेंगे, सूखने के बाद वो प्रेस होगी उन पर, मैं इस्त्री कर रही हूं, I am doing the ironing। स्पेलिंग आयरनिंग, मतलब आप चाहेंगी से पढ़ना IRONING, लेकिन आयरनिंग गलत है, आयरनिंग। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आयरनिंग है। तो आपने जाना किस तरीके से रोजमर्रा के ये सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोले जाते हैं। नॉर्मली आप घर का काम करती हैं, सुबह उठकर झाड़ू पोछा कपड़े धोना, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान रहती हैं कि इन्हें अंग्रेजी में बोला कैसा जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है। तो अब आपने सीखा कि ये सेंटेंसेस अंग्रेजी में कैसे बोले जाते हैं, तो अब इन सेंटेंसेस के जरिए आप अपनी धाक जमा सकती हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी बोल सकती हैं। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको टाइम से इस तरह की और भी वीडियो मिल सके। चलिए बाय बाय, सी यू।